हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रद्धा और आज के वीडियो में मैं आपको एक ब्लीच बताऊंगी, DIY ब्लीच, जिससे आपको आपकी स्किन में एक अच्छी सी फेयरनेस आएगी, टैनिंग रिमूव होगा और जो है अगर आपके आपकी स्किन ड्राई है तो ये ब्लीच जो है आपके स्किन के लिए परफेक्ट ब्लीच रहेगा। तो इसे जो है आपके फेस में एक मॉइस्चराइज़र, आपका फेस जो है, फेस की स्किन वो मॉइस्चराइज भी होगी काफ़ी अच्छे से। तो अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शिमरिंग श्रद्धा, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का ब्लीच बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट मुझे चाहिए वो है मलाई, दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो ले ली है मैंने, फ्रेश मलाई। एंड और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है हनी। तो मलाई और हनी मिक्स करके हम एक पैक बनाएंगे। हूँ इस बॉल में, आपको ट्रांसपेरेंट बॉल लेके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो आपको मलाई लेनी है, मैंने इसमें मलाई ले ली है और इसे अच्छे से पहले मैं मिक्स कर लूँगी ताकि ये स्मूथ बन जाए। दूध की मलाई में जो है काफ़ी अच्छा मॉइस्चर होता है तो आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज होती है नेचुरली। और काफ़ी इसमें जो मिल्क में जो है वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे आपकी स्किन जो है लाइटनिंग होने में हेल्प होता है। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है हनी। इसमें मिक्स करेंगे हनी, थोड़ा सा हनी मिक्स किया है, जस्ट 2-3 ड्रॉप। स्किन जो है काफ़ी ड्राई है इसलिए मैं हनी यूज़ कर रही हूँ, हनी और मलाई। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें जो है 2-3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन भी ऐड सकते हो, लेमन भी ऐड कर सकते हो, बट मैं लेमन ऐड नहीं कर रही हूँ। मेरी स्किन ड्राई है और उस पर लेमन लगाओ तो मुझे काफ़ी इरिटेशन होती है। तो इसे जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मिल्क और हनी। अभी जैसे मैं इसको अपने पाम पे लेके जस्ट रब करूँगी, मसाज करूँगी सर्कुलर मोशन में। अगर आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं, ब्लैक स्पॉट्स है, पिंपल की वजह से ब्लैक स्पॉट्स हो गए हैं या पिगमेंटेशन है तो वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी इससे। जस्ट मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी इसे अच्छे से, अंडर आई पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और मलाई और हनी लिया है तो आई थिंक इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं रहेंगे, दोनों भी नेचुरल इंग्रेडिएंट है, दोनों भी हर्बल है तो आई थिंक मलाई और हनी सभी को सूट करता है तो इसे कोई इरिटेशन या रेडनेस भी नहीं आएगा आपके फेस पे। तो जस्ट मैं अभी पाम पे लेके दोनों हाथ से अच्छे से मसाज करूँगी। इससे जो है एक कूलिंग सा इफ़ेक्ट भी मिलता है स्किन को। अगर आपकी स्किन टैन हो गई है या बर्न हो गई है तेज़ धूप की वजह से तो उससे जो है मलाई से जो है आपकी स्किन में एक ऐसा कूलिंग सा इफ़ेक्ट आएगा। जस्ट इसे मसाज करते रहना है ताकि मलाई और हनी जो है स्किन में अच्छे से चले जाए और स्किन जो है मॉइस्चराइज हो जाए। आप इसको अपनी आईलिड पे भी अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी लोगों की जो है अंडर आई भी ब्लैक डार्क सर्कल भी होते हैं, किसी किसी को यहाँ पे भी ब्लैक हो जाता है। तो ये जो पैक है, ये जो क्रीम, ये जो मलाई और हनी का जो पैक है ये आप इधर भी आईलिड पे भी अप्लाई कर सकते हो आसानी से और हल्के से मसाज भी कर सकते हो। इससे जो है आईलिड का जो एरिया है वो भी डार्क नहीं रहेगा और देन किसी को यहाँ पे भी ब्लैक हो जाता है। क्लीन, अभी जो है मैं अपना फेस क्लीन करूँगी जस्ट इसे वॉश करके। इसे आपको ड्राई नहीं होने देना है, जस्ट 10-15 मिनट्स मसाज करना है। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है अपना, तो जस्ट मैंने अपना फेस जो है प्लेन वाटर से वॉश कर लिया है और अभी भी जो है मेरी स्किन जो है काफ़ी मुझे सॉफ्ट और मॉइस्चराइज लग रही है। तो अभी जो है मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करूँगी, जस्ट इसे ऐसे ही रहने दूँगी
एंड देन कल भी जो है मेरा फुल डे स्किन जो है मॉइस्चराइज ही रहेगा कि बिकॉज मलाई में काफ़ी मॉइस्चराइजर के कंटेंट्स होते हैं, तो ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है मलाई। तो मलाई में जब आप हनी ऐड करके उसे अप्लाई करते हो तो वो एज आपके स्किन को ब्लीच करता है, मीन्स आपकी स्किन से टैनिंग रिमूव करता है, देन जो भी डार्क स्पॉट्स और ये होते हैं डार्क स्पॉट्स और दाग धब्बे होते हैं स्किन पे वो भी अच्छे से मिनिमाइज करता है। और इसे अगर आप वीक में टू थ्री टाइम्स यूज़ करोगे रेगुलर वन मंथ तक, तो आप क्लियर रिजल्ट देखोगे कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज हुई रहेगी, स्किन वाइटनिंग हो जाएगी एंड देन आपके स्किन में एक अच्छा सा नेचुरल सा ग्लो भी आएगा। तो इसे जो है, और ये एक नेचुरल होम रेमेडी है जिससे आप अपनी स्किन को ब्लीच कर सकते हो। ब्लीच करने का मतलब ही होता है कि आप अपनी स्किन को फेयर करो या जो स्किन में है फेस पे हेयर है उसे लाइटन करो। तो मलाई से जो है अच्छी सी स्किन वाइटनिंग होने में हेल्प होती है और साथ ही साथ में मॉइस्चराइज भी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये यूज़फुल लगा है और अभी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।